हाल ही में पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के पास हुए भयानक रेल हादसे की शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि नेविगेशन सिग्नल फेल होने के दौरान स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, जिसके चलते ये हादसा हुआ। इस ट्रेन हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बताया जा रहा है कि बंगाल में जिस रूट पर दुर्घटना हुई उस पर सुबह से ही ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराने वाली मालगाड़ी के लोको पायलट ने इस तरह की स्थिति के लिए रेलवे द्वारा बनाए गए स्टैंडर्ड प्रोसीजर का उल्लंघन किया और ट्रेन को निर्धारित सीमा से अधिक गति से चलाया। इस घटना की व्यापक जांच चल रही है। मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारी थी क्योंकि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी थी, इसीलिए कंचनजंगा एक्सप्रेस को रंगपानी रेलवे स्टेशन मास्टर द्वारा सुबह 8:20 पर और मालगाड़ी को सुबह 8:35 पर रेड सिग्नल क्रॉस करने के लिए पेपर लाइन क्लियरेंस टिकट दिया गया था। ऐसे मामलों में रेलवे के ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग ABS रूल में लोको पायलट को रेड सिग्नल पार करने के लिए स्टेशन मास्टर द्वारा PLCT देने के अलावा सावधानी बरतने की नसीहत और ट्रैक क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी शामिल होता है। रंगपानी रेलवे स्टेशन और छतरहाट जंक्शन के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम को पार करने के लिए मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस को मिले पेपर लाइन क्लियरेंस टिकट से पता चलता है कि 2 घंटे की अवधि में दोनों स्टेशनों के बीच कम से कम 9 बार सिग्नल फेल हुआ था। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक चूंकि सिग्नल की खराबी जल्द ही ठीक होने की उम्मीद थी, इसलिए सिग्नलिंग डिपार्टमेंट ने इसे लंबी खराबी घोषित नहीं की थी, इसीलिए ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग रूल का पालन जारी रखा गया। TA912 टिकट का मतलब होता है कि ट्रेन को अधिकतम 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलाना है। वही टिकट TD912 में रफ्तार की अधिकतम सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ट्रेन की गति से संबंधित नियमों के अलावा रेलवे स्टैंडर्ड ये भी कहते हैं कि ट्रेनों को खराबी वाले सिग्नल के पहले जितना संभव हो सके रोक। रेड सिग्नल से पहले दिन के समय ट्रेन को 1 मिनट और रात के वक्त 2 मिनट तक रोकना होता है। शुरुआती जांच में ऐसा सामने आ रहा है कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने कथित तौर पर इस नियम का उल्लंघन किया। टाइम्स ऑफ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।